सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए। 12वीं में इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है। नोएडा की मेघना श्रीवास्तव टॉप रही हैं, साथ ही टॉप 3 में लड़कियां ही हैं। इस बार के नतीजे 83.01% रहे हैं, जो पिछले साल के 82.02% से लगभग 1% ज्यादा है। इस बार नोएडा की छात्रा मेघना श्रीवास्तव ने 499 अंकों के साथ टॉप किया है। वहीं गाजियाबाद की छात्रा अनुष्का चंद्रा ने 498 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर जगह बनाई है। तीसरे स्थान पर लुधियाना की आस्था बांबा, जयपुर की चाहत भरद्वाज, हरिद्वार की तनुजा कपारी, नोएडा की सुप्रिया कौशिक, गाजियाबाद के नकुल गुप्ता और क्षितिज आनंद के साथ मेरठ की अनन्या सिंह हैं। इन सभी को 497 अंक मिले हैं। टॉपर की लिस्ट में इस बार नोएडा और गाजियाबाद का दबदबा दिख रहा है। टॉप 3 में 9 छात्रों में से 5 नोएडा और गाजियाबाद के हैं। वहीं क्षेत्रवार नतीजों पर नजर डालें तो सबसे अधिक त्रिवेंद्रपुरम रीजन में 97.32% पास हुए हैं। वहीं दूसरे स्थान पर चेन्नई रहा, जहां 93.87% पास हुए हैं। इसके अलावा तीसरे पर दिल्ली रीजन रहा, जहां पर 89% पास हुए हैं। परीक्षा परिणाम में इस बार फिर बाजी लड़कियों ने मारी है। इस बार लड़कियों का पास फीसद 88.31 है, वहीं लड़कों का पास फीसद 78.99% रहा है। आपको बता दें, इस वर्ष 28 लाख विद्यार्थियों ने CBSE कक्षा 10, कक्षा 12 की परीक्षा दी थी। CBSE 10वीं की परीक्षा में 16,38,428 और 12वीं की परीक्षा में 11,86,306 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था। ये परीक्षा देश भर में स्थित 4,138 केंद्रों पर कराई गई थी। परीक्षा 13 अप्रैल को खत्म होनी थी। आखिरी पेपर फिजिकल एजुकेशन था। हालांकि देश के कई हिस्सों में पेपर लीक होने की रिपोर्ट के चलते एक पेपर को रद्द करना पड़ा था। 25 अप्रैल को इकोनॉमिक का पेपर फिर से कराया गया था। पिछले साल CBSE 12वीं के नतीजे 28 मई जबकि 10वीं के नतीजे 3 जून को घोषित किए गए थे। बताया जा रहा है 10वीं का 29 या 30 मई को रिजल्ट आने की संभावना है। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, लखनऊ के रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र बलबीर यादव ने सबसे अधिक 98.4% अंक हासिल किया है। इसके अलावा दिव्या शुक्ला को 97.2% और क्षितिज को 97% अंक मिला है। नमस्कार, मैं हूं उमेंद्र सिंह। मैं इस समय रानी लक्ष्मीबाई स्कूल में मौजूद हूं। CBSE इंटर के रिजल्ट सामने आ चुके हैं। रानी लक्ष्मीबाई में 98.4% के साथ बलवीर यादव सबसे आगे रहे हैं। इस वक्त बलवीर यादव हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करते हैं। वो किस तरह से अपनी सफलता उन्होंने पाई, किस तरह से उन्होंने इसको अर्जित किया। बलवीर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपने 98.4% पाए हैं परीक्षा में। किस तरह से आपने ये प्रयास किया, किस तरह से आपने पढ़ाई की, कैसे आपको सफलता मिली, जरा हमको बताइए। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, वैसे तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आई वुड कंसीडर सेल्फ स्टडी। आप कितना टाइम अपने आप को डिवोट कर पाते हैं घर में स्कूल कोचिंग के बाद, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है आपके लिए। वही मैंने मेरा भी प्लस पॉइंट। बलवीर, एक बड़ी सफलता आपको है। कितने घंटे आप घर में पढ़ाई करते थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि रानी लक्ष्मीबाई को आप कितना श्रेय देना चाहेंगे, यहाँ के टीचर्स को, यहाँ के मैनेजर्स को जो आपको मार्गदर्शन करते हैं, कितना श्रेय देना चाहेंगे? और उससे पहले ये बताइए, कितने घंटे आपने घर में पढ़ाई की? जी, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। मुझे ये मेरे सब्जेक्ट्स इंटरेस्टिंग लगते थे, बहुत इंटरेस्टिंग लगते थे। मुझे जब तक मन करता था तब तक मैं पढ़ता था। जनरली एक दिन में 12 से 14 घंटे में पढ़ लेता था जी। और जहाँ तक बात है श्रेय की, तो बहुत सपोर्ट किया है RLB स्कूल ने, मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, अपने टीचर्स सबका बहुत आभारी हूँ। सब ने बहुत अच्छे से हमें फैसिलिटीज़ दी, ट्रेनिंग दी, और टाइम टाइम पर हमें मोटिवेट किया, स्पेशल क्लासेस, बहुत फैसिलिटी। अब आगे आप क्या बनना चाहते हैं, क्या आपका लक्ष्य है? मैं अभी BTech करना चाहूँगा, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से। मेरा एडवांस का पेपर लग चुका है, तो वही पढ़ चुका हूँ। इस वक्त हमारे साथ, आपको मालूम होगा, हमारे साथ इस समय रानी लक्ष्मीबाई के फाउंडर श्री जयपाल सिंह जी भी मौजूद हैं। जयपाल सिंह जी से मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह से
वो बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि हर बार रानी लक्ष्मीबाई इतना आगे जाता है और हर बार यहाँ के बच्चे टॉप करते हैं और बहुत ऊंचे जाते हैं। जयपाल जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम्स में। मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरह से आप बच्चों को मोटिवेट करते हैं जो वो इतनी अच्छी सफलता अर्जित कर पाते हैं। इसका क्रेडिट जो है बच्चों के माता पिता और शिक्षकों को जाता है जी। और जहाँ तक विद्यालय की बात है, बच्चों के लिए जो फैसिलिटीज हो सकती हैं वो प्रोवाइड करता है जी। और शुरू से ही बच्चे जब हमारे यहाँ जब से आते हैं तब से उनको एक लक्ष्य दिया जाता है, उसको पाने के लिए उनको मोटिवेट करते हैं जिससे कि वो जो है तैयार करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की अगर बात करें तो शायद आपको मालूम नहीं होगा, रानी लक्ष्मीबाई लखनऊ में एक अलग स्थान रखता है। ये न सिर्फ पढ़ाई के लिए बल्कि बच्चों में संस्कार विकसित करने के लिए भी ये स्कूल जाना जाता है। जयपाल सिंह जी से मैं जानना चाहूँगा बच्चों को संस्कार किस तरह से देते हैं, किस तरह से यहाँ के बच्चे संस्कारी बनते हैं, कैसे पढ़ाई की इतर उनको और कैसी शिक्षा दी जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 79 से फर्स्ट बोर्ड एग्जाम से लगातार यहाँ संस्था के बच्चे जो हैं टॉप पोजिशंस पाते रहे हैं, कभी भी उसमें ब्रेक नहीं लगा है। दूसरी जहाँ तक बात है विद्यालय की स्थापना ही मैंने जो है बच्चों को भारतीय संस्कृति के उन प्राचीनतम और महानतम संस्कारों को देने के लिए की थी जिससे कि वे एक अच्छे इंसान बन सके और उनके अंदर एक देशभक्ति का जज्बा पैदा करने की हम लोगों ने कोशिश की है। और इसका प्रमाण आप इस सभागार में खड़े हुए देख सकते हैं कि जिस बालक के नाम पर ये सभागार है उसका नाम आज हिंदुस्तान के हर कोने कोने में है, कैप्टन मनोज कुमार पांडे। तो ऐसे छात्र, इस तरीके के छात्र, और आज बलबीर यादव ने एक नया इतिहास रचा है विद्यालय के इतिहास में। मैं इसको स्वीकार करना चाहूँगा कि 97.8 तक हमारे बच्चे आए थे, 98.4 पा करके यानी केवल 8 नंबर कम, 492 नंबर पा करके इसने इस विद्यालय के इतिहास में जो है एक नया आयाम जो है इसको दिया है और नया गौरव इसने प्रदान किया है। मैं इसको और इनके पिता श्री ओम प्रकाश जी को बहुत बधाई देता हूँ, माँ नीरा जी को भी, कि उनका भी योगदान बहुत बड़ा है। अगर माता पिता का योगदान नहीं होगा, वो रेगुलर नहीं भेजेंगे, वो सहयोग स्कूल को नहीं करेंगे तो बच्चा नहीं कर पाएगा। और आपके सामने इसने बताया कि 12 से 14 घंटे तक स्कूल को मिला, ये कम नहीं है। और अपने बलबूते पर इसने कभी आज तक किसी तरीके की शिकायत कोई चीज़ वो नहीं रही है, तो पूरे परिवार को, पूरे विद्यालय परिवार को, सभी को जी बहुत बहुत बधाई। इसके साथ ही हमारे साथ बलबीर जी के पिता भी हैं, मैं चाहूँगा आपसे आप भी आगे आए। ओम प्रकाश जी हमारे साथ हैं, मैं जानना चाहूँगा ओम प्रकाश जी, आपके पुत्र ने 98.4% लाके पूरे विद्यालय, न सिर्फ विद्यालय का, पूरे लखनऊ बल्कि पूरे यूपी का नाम रोशन किया है। किस तरह से आपने मार्गदर्शन किया है, कैसे उसको ये सफलता मिली? सब ये स्कूल की देन है जी, देखिए जयपाल सर की देन है जी जी जी। मैं तो सारा नौकरी करता हूँ, टाइम कम दे पाया जी, लेकिन इनकी मम्मी इनके साथ रहती थी जी। और स्कूल सारा क्रेडिट इनकी मम्मी और स्कूल। अच्छा, कुछ ऐसे बच्चे जो सफलता नहीं पा सके हैं, आपका बच्चा बहुत सफल रहा, जो सफलता नहीं पा सके हैं वो निराश हैं, आप किस तरह से उनको संदेश देना चाहेंगे ताकि वो आगे मेहनत करें और आपके बच्चे की तरह ही सफल रहे? मैं उन लोगों से कहूँगा कि दोबारा प्रयास करें, इससे अच्छी सफलता मिल सकती है। मैं उनको शुभकामना दे रहा हूँ कि अच्छी से पढ़ाई करें और फिर आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी इसके साथ ही पत्रकार नहीं दाखिला कराए। अच्छा, और ये भी स्टूडेंट जी, जी 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 ये भी स्टूडेंट। अच्छा, मैं तो यहाँ बहुत हंसी खुशी का माहौल है, यहाँ रानी लक्ष्मीबाई स्कूल के बच्चे ने 98.4% लाकर न सिर्फ विद्यालय का बल्कि पूरे लखनऊ का नाम रोशन कर दिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह RLB के बच्चे आगे बढ़ें और जयपाल जी के मार्गदर्शन में सफलता अर्जित करें। कैमरा पर्सन सुजीत कुमार के साथ उमेंद्र सिंह, लखनऊ न्यूज़ टाइम्स। नहीं, पूरे साल मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ती रही, मेरे परिवार में एक सेरेमनी भी थी तो पेपर के कुछ दिन पहले मुझे उसमें भी पार्टिसिपेट करना था, इसलिए मैंने ये ध्यान रखा कि वो मेरे मार्क्स की वजह से। और कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी, आपने बताया नहीं अभी तक? लगभग 2 से 3 घंटों की पढ़ाई करने के बाद ही दिव्या शुक्ला के 97.2% का वोट आए, अपने आप में एक बड़ी बात है। हम जानना चाहेंगे दिव्या आगे क्या बनना चाहती है, दिव्या आप क्या बनना चाहती हैं, किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती हैं? सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हैं। अच्छा, किस लिए जाना चाहती हैं, इसकी वजह ज़रूर हमारे दर्शक जानना चाहिए। मुझे लगता है कि आप भी सोसाइटी को अगर किसी तरीके से सही कर सकते हैं तो वो सिविल सर्विसेज में। बहुत हमारे साथ दिव्या शुक्ला की माताजी भी मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम्स में। आपसे जानना चाहेंगे बच्चों को बहुत ही कमतर समझा जाता है, जो लड़कियां हैं उनको, लड़कों से जब भी उनकी तुलना हो तो उनको कमतर समझा जाता है, उनको कम पढ़ाया जाता है, लेकिन जिस तरह से दिव्या की तरक्की, जिस तरह से दिव्या की उन्नति हम देख रहे हैं, कितना सहयोग आप उसकी पढ़ाई में करती हैं? सर,
पढ़ पाई क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम मेरी तबीयत खराब हो गई थी। इसने अपने बल पे और इसके जो टीचर्स थे उनकी बहुत प्रेरणा रही और अपनी वजह से आज इसके अच्छे मार्क्स आए। दीक्षा की माता जी का कहना है वो बहुत सहयोग नहीं कर पाई, लेकिन हम बताना चाहेंगे कि बेटी को जन्म से लेकर उसको संस्कार देना, उसको पढ़ाना एक बहुत अहम रोल है। इंटर की परीक्षा में जो उसके परिणाम हासिल हुए हैं ये उसकी माता जी की ही बदौलत हुए हैं। माता जी से हम जानना चाहेंगे ऐसे उन बच्चों को तो क्या आप संदेश देना चाहेंगी जो कम इस समय जिनके अंक कम आए हैं और जो पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर हैं और ज़्यादा आना चाहते हैं, उनको आप किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? मैं तो कहूँगी कि हर बच्चे को अपने माँ बाप की परेशानियों को समझना चाहिए कि मम्मी पापा कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं और उसी के हिसाब से उनको वो करके पढ़ना चाहिए। जिस तरह से मैंने बेटी को शुरू से सिखाया, मैं नहीं मेरी मदर इन लॉ भी उसको बेटे से ज़्यादा मानती है और हमेशा इंस्पायर करती है, कभी भेदभाव नहीं किया और बहुत उनकी वजह से और अपने पापा की वजह से। तो बेटा और बेटी ने कभी भेदभाव नहीं किया ये कहना है दिविशा की माता जी का। हमारे साथ दिविशा के पिताजी भी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी न्यूज़ टाइम में। आपकी बेटी ने आपका न सिर्फ आपका बल्कि पूरे लखनऊ का नाम रोशन किया है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? जो भी इसका श्रेय है वो स्कूल का, जो बच्चे 96 के ऊपर वाले वो इधर बेंच की तरफ आ जाए, सब जरा एक तरह से करवा रहा हूँ, दिक्कत ना हो, इधर की तरफ से आ जाए 96 के ऊपर वाले। मार्गदर्शन दिया है अपने, मालूम हो गया होगा इधर आ जाए, 95 के ऊपर के भी इधर इधर बैठना, यहीं से इंटरव्यू दीजिए। क्षितिज इधर आ जाइए, कैसे उसने अखबार वाले वाले ढूंढे तो सबको मिल जाएंगे। मैंने बस यही सीखा बेटा, कभी पीछे देवी शाह भी इधर सब इधर आ जाए, आगे ही चलना, किसी के पीछे मत मत चलना, अपना खुद का एम बनाओ, खुद का अपना पौधा बनाओ। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि खुद अपने दम पर कोई मुकाम हासिल करना होता है तभी सफलता, तभी उन्नति मिलती है किसी को भी। एक और छात्र हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम क्षितिज है। आपको बता दें CBSE की 12वीं परीक्षा में क्षितिज ने 97% अंक जो है हासिल किए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। क्षितिज आप हमको बताइए आपके 97% आए हैं या आपने कोचिंग के सहारे से ये अंक अर्जित किए हैं या सिर्फ स्कूल का योगदान रहा? स्कूल का भी योगदान था और मैंने कुछ ही सब्जेक्ट पर फोकस किया। अभी बच्चे जाएंगे नहीं, इंटरव्यू होके बैठेंगे, कितने घंटे आप घर में पढ़ाई कर रहे हैं कि आपके 97% और उम्मीद करते हैं कि 250 तक पहुंचने चाहिए 90% के ऊपर। जरूरी नहीं कि आप कितने 200 पार कर चुके हैं, जरूरी है कि आप जल्दी आपको मिले। एफर्ट करते हैं, मैं डेली 4 से 5 घंटे पढ़ता था और यूजुअली मैं चैप्टर वाइज पढ़ता था और संडे को मैं पूरे हफ्ते का पढ़ा हुआ रिवाइज करता था, जिसके कारण मुझे सक्सेस मिली। कौन सा सब्जेक्ट अगर हम आप सब्जेक्ट की बात करें तो क्षितिज आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है? वैसे तो मुझे सभी सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, मैथमेटिक्स में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो यानी जब आपका करियर है अब आगे, ये जाहिर सी बात है मैथमेटिक्स से ही जुड़ा हुआ होगा, किस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं? क्योंकि मैंने क्लियर का पेपर दिया है और और अपने माता पिता को आप कितना योगदान देना चाहेंगे आपकी जो सफलता है इसमें? देखिए जो मैं उन्हीं की वजह से हूँ और कितना सहयोग मिला माता पिता से आपको ये थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को? अब मैं फर्स्ट क्लास से स्कूल में पढ़ रहा हूँ, मैं कहूँगा ये 12 साल की तपस्या थी मेरी नहीं उनकी थी, उनकी और मेरे पेरेंट्स और टीचर्स की। मैंने तो सिर्फ 2 साल का मंथन किया है, फल मुझे मिल रहा है, विश उन्होंने झेला है, विश बेसिकली फाइनेंशियल। RLB स्कूल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आप चारों तरफ देख सकते हैं, हर तरफ एक सोल्जर की फ़ोटो है और ये ऑडिटोरियम खुद में एक इंस्पिरेशन होता है। जब भी मैं इस ऑडिटोरियम में आता हूँ तो इस मोटिवेशन से पूरा भरा हुआ होता हूँ। यहाँ के टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने थ्रू आउट द बिगनिंग हमें काफ़ी अच्छे से गाइड किया है और मेरी सक्सेस में उनका भी उतना ही योगदान जितना मेरे माता पिता का है। ऐसे छात्र जो अभी हाई स्कूल में है या फर्स्ट ईयर में है उनको आप किस तरह से सलाह देंगे कि आपकी तरह सफलता वो भी अर्जित कर सके, किस तरह की प्लानिंग उनको करनी चाहिए, क्या अपील करेंगे उनसे? देखिए अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो मैं तो यूजुअली स्टैट्स पे काम करता था, मैं कॉलेज के 2-3 प्रॉस्पेक्टस वार्षिक पत्रिका देखता था और उसमें देखता था कि 10th में जो बच्चे टॉप 10 या टॉप 50 में थे उनका
आपका 12th में टॉप 10 टॉप 50 में क्या रैंक थी कि नहीं? अगर थी, जैसे कि मैं देखता था पत्रिका में कि अगर फ़ोटो चाहिए तो सपोज 50 बच्चे हैं तो मैं देख लेता था मेरी ब्रांचें कितने हैं, अगर 5-6 बच्चे हैं तो मेरा टारगेट हो जाता था कि मैं उन 5-6 बच्चों में रहूँ पूरे साल। इसी लोन में ज़्यादा ध्यान नहीं रहता था, मुझे कभी स्ट्रेस मार्क्स के लिए नहीं हुआ, मुझे स्ट्रेस तब होता था जब मैं पढ़ाई नहीं कर पाता था। बहुत बहुत धन्यवाद क्षितिज आपका हमसे बातचीत करने के लिए। वही थे क्षितिज, जिनका कहना है कि वो स्टेट्स में ज़्यादा ध्यान देते थे, यही वजह है उनकी सफलता की। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।